Class, and in today's class we are going to learn vocabulary related to the Olympic Games. Olympic Games 2024 Paris. Paris में Olympic Games हो रहे हैं, हम सभी ने देखा है, तो उससे related vocabulary पढ़ेंगे, नए नए words पढ़ेंगे. तो देखते शुरू करते हैं आज की क्लास. देख रहे हो आप Olympische Spiele 2024. क्या बोलेंगे? Olympische Spiele, हाँ, Olympic Games. सो कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में. पेरिस तो कैसे बोलेंगे? स्टार्ट फिंडन. वो आप कौन से करेंगे? स्टार्ट फिंडन. स्टार्ट फिंडन इन पेरिस. स्टार्ट फिंडन इन पेरिस. सो Olympische Spiele स्टार्ट फिंडन इन पेरिस, राइट? मीन्स ओलंपिक गेम्स आर टेकिंग प्लेस इन पेरिस. पेरिस में हो रही है, ठीक है. अलग अलग कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक कॉम्पिटिशन है. कॉन्कुरेंस. कॉन्कुरेंस, हाँ. कॉन्कुरेंस मीन्स कॉम्पिटिशन. अलग अलग टीम्स फाइट कर रही हैं अलग अलग गेम्स के लिए. अलग अलग गेम्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की गेम्स हैं. बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग, राइटन, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग. तो अलग अलग गेम्स हैं, तो अलग अलग टीम्स फाइट कर रही हैं. तो कॉन्कुरेंस. एज गिफ्ट कॉन्कुरेंस. देर इज कॉन्कुरेंस मीन्स कॉम्पिटिशन. एज गिफ्ट. एज गिफ्ट मीन्स देर इज कॉम्पिटिशन. एज गिफ्ट कॉन्कुरेंस. स्विशन मानशाफ्टन. अलग अलग टीम्स हैं, तो टीम्स को क्या बोलते हैं? मानशाफ्टन. मानशाफ्टन, हाँ, मानशाफ्टन. जैसे इंडिशे मानशाफ्ट, हाँ, इंडिशे मानशाफ्ट. हॉकी, इंडियन हॉकी टीम आज क्वार्टर फाइनल जीता है, ग्रेट ब्रिटेन को हराया है, तो सेमीफाइनल में पहुंची है. तो कैसे बोलेंगे? सेमीफाइनल. सेमीफाइनल हाल्फ फिनाल, हाँ, हाल्फ फिनाल. देखो सेमीफाइनल को कैसे बोलते हैं? हाल्फ फिनाल. हाल फिनाल, ठीक है. और फाइनल होगा तो फिनाल, ठीक है. हाल फिनाल, फिनाल, सेमीफाइनल. सो इंडियन हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है. हालांकि बैडमिंटन में भी सिंगल्स में सेमीफाइनल मैच खेला, बट वी लॉस्ट. तो मैच हम जीत नहीं पाए. अगर हम मैच जीतते हैं तो क्या बोलेंगे? गेविनन. जीतने को बोलेंगे गेविनन. और अगर लूज किया तो फेरलियरन, ठीक है, फेरलियरन. तो विन एंड लूज, तो जीतना गेविनन, ठीक है. और ऑपोजिट होगा फेरलियरन. फेरलियरन, ठीक है. सो विन और लूज. सो हाल फिनाल गेवोनन और फिनाल गेवोनन. तो हर एक कंट्री का ड्रीम होता है कि फाइनल मैच जीते अपने अपने स्पोर्ट्स में, चाहे वो टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे स्विमिंग हो, फाइनल मैच जीते और वहाँ पर मेडल जीत के लाए. सो मेडल जीतना. तो मेडल भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि गोल्ड मेडल. गोल्ड बोलेंगे, सिल्वर बोलेंगे, सिल्वर, ठीक है. और अगर ब्रॉन्ज तो होता है तो ब्रॉन्ज. अब इनके आर्टिकल अलग अलग है. गोल्ड होगा और सिल्वर होगा तो दास, और अगर ब्रॉन्ज होगा तो डी, हाँ, ब्रॉन्ज मेडियल, हाँ, ब्रॉन्ज मेडियल. कैसे बोलेंगे? ब्रॉन्ज मेडल होगा तो ब्रॉन्ज मेडियल. डी होता है, हाँ, डी मेडल होता है. मेडल का आर्टिकल भी डी होता है, ब्रॉन्ज मेडियल. और अगर सिल्वर होगा, गोल्ड होगा, तो भी ई एंडिंग है, क्योंकि मेडल का आर्टिकल डी होता है, ठीक है. तो ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल. तो गोल्ड दास गोल्ड, सिल्वर दास सिल्वर, और ब्रॉन्ज होगा तो डी ब्रॉन्ज. तो इस तरह से मेडल है. और अगर मेडल जीतते हैं तो हम क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई भी कंट्री फर्स्ट पोजिशन पर आती है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज़ करेंगे. सेकेंड पोजिशन पर आएगी तो उसके लिए अलग यूज़ करेंगे कि ये टीम या ये प्लेयर फर्स्ट पोजिशन पर आया, इसने फर्स्ट पोजिशन अचीव की है, तो इसके लिए हम अलग अलग वर्ड्स बोलेंगे. जैसे कि सपोज अभी चाइना टॉप पे चल रहा है, तो शीना, शीना हार्ट प्लाट्स आइंस, हाँ, आइंस बिलेक्ट, बिलेक्ट, हाँ, मीन्स चाइना हैज ऑक्यूपाइड. बिलेक्ट मतलब अचीव करना, ऑक्यूपाइड रिजर्व कर लिया, अपना फर्स्ट प्लेस पे चाइना. तो शीना हार्ट प्लाट्स आइंस बिलेक्ट. ऐसे अगर सेकंड पोजिशन होगा तो यहाँ पे टू लिख देंगे, थर्ड होगा तो थ्री. तो प्लाट्स, प्लाट्स बिलेगन, ये वर्ब प्लाट्स बिलेगन मतलब कोई प्लेस ऑक्यूपाई करना. फर्स्ट प्लेस जीत लिया है तो, सेकंड प्लेस जीत लिया तो ऑक्यूपाई करना, ठीक है. और अगर कोई प्लेयर हमारा जैसे मेडल जीत लेता है तो हम बोलेंगे, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे देखिए, एक बार देख लेते हैं. ये पिक्चर आपने देखा, ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर और प्रभजोत, शूटिंग में जीता है. तो ब्रॉन्ज मेडल, तो द बोथ हैव, दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना. मनु ने दो मेडल अकेले जीते हैं और एक मेडल
दोनों ने साथ में मिलकर जीता है ना, तो मनु के टोटल मेडल्स हो गए और टोटल इंडिया के 3 मेडल्स हो गए। तो 2 मनु के सिंगल्स हैं इंडिविजुअल गेम्स में और 2 और 1 मेडल जो है वो मिक्स्ड में आया, मिक्स्ड शूटिंग में आया, यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल गेवोनन जीता है, तो गेवोनन, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ दीज सुपर स्टार्स इंडियन शूटर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कैसे बोलेंगे, ग्रैटुलेशन, ग्रैटुलेशन, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम, इन्होंने इंडिया के लिए मेडल जीता है। कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल गेवोनन। 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक आए हैं टिल डेट 4th of August, 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और तीनों ही मेडल इन दोनों प्लेयर्स ने जीते हैं शूटिंग में, ठीक है। तो गेवोनन, अगर ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत पॉपुलर फिगर पर्सनैलिटी बन गए, इंडिया के शूटिंग स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, और ये मिक्स्ड टीम्स में खेलते हैं, सिंगल्स में भी खेलते हैं, मिक्स्ड में भी खेलते हैं, सिंगल्स में भी खेलते हैं और मिक्स्ड में भी खेलते हैं ना, तो मिक्स्ड में भी इनकी टीम होती है। सिंगल्स में मनु खेलती है और मिक्स्ड में दोनों मिलकर खेलते हैं। तो इस तरह से टीम है, इंडियन टीम है, तो मेडल जीते हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को, ठीक है, दोनों ने मेडल जीता है टीम के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम दोबारा बात करते हैं कुछ और वोकैबुलरी की, वर्ड्स की। जैसे कि मैंने बोला गेवोनन मतलब विन, अगर मैच जीत जाते हो तो आप बोलते हैं गेवोनन, है ना, मैच जीत जाते हो तो हम बोलते हैं गेवोनन, गेवोनन मतलब जीतना, ठीक है, और अगर हार जाते हो तो हम बोलते हैं फेरलियरन, लॉस्ट। सो इंडिश मानशाफ्ट और इंडियन हार्ट ड्राई ब्रॉन्ज मेडल गेवोनन दिस ईयर्स, अभी तक टिल नाउ अभी तक इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो इंडियन इंडियन हार्ट, इंडियन मतलब इंडियन टीम, हार्ट ड्राई, ड्राई ब्रॉन्ज मेडल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एक ही साथ लिख सकते हैं हम, मेडल गेवोनन, ठीक है। तो इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो यहाँ पे परफेक्ट बनाया हमने, हार्ट गेवोनन, इन्फिनिटिव वर्ब है गेवीनन, गेवीनन इसकी इन्फिनिटिव है, ठीक है, और परफेक्ट बनेगा तो गेवोनन, मतलब 3 मेडल इंडिया ने जीत लिए हैं, ड्राई ब्रॉन्ज मेडल गेवोनन, इंडियन हार्ट ड्राई ब्रॉन्ज मेडल, ओके, बाय ओलंपिशन स्पील गेवोनन, ओलंपिक गेम्स में जीते हैं तो क्या बोलेंगे, ओलंपिशन स्पील, देखो बाय डेन ओलंपिशन स्पील, ओलंपिक गेम्स है ना, ओलंपिक गेम्स प्लूरल, अलग अलग गेम्स, एक सिंगल्स में एक मिक्स्ड में, तो बाय डेन ओलंपिशन स्पीलन मतलब ड्यूरिंग द ओलंपिक मैचेस, ओलंपिक गेम्स में इंडिया ने 3 मेडल जीत लिए है ना। और हर एक कंट्री का ड्रीम होता है कि गोल्ड जीतना, तो दे ट्राउम, इंडिया का भी ड्रीम है कि गोल्ड जीता जाए, दे ट्राउम फॉर गोल्ड, द ट्राउम फॉर गोल्ड, द ड्रीम ऑफ गोल्ड, इंडिया का भी ड्रीम है कि गोल्ड मेडल आए, एटलीस्ट एक्सपेक्ट करें हम, नीरज चोपड़ा हमारे जो जेवलिन थ्रोअर है, अभी उनका मैच होना है 6 अगस्त को, वहाँ से एक गोल्ड एक्सपेक्टेड है, और हॉकी टीम भी इंडिया की पहुँच गई सेमीफाइनल में, तो वहाँ से भी एक्सपेक्टेड है मेडल लाएंगे अब, तो द ट्राउम फॉर गोल्ड, इंडिया का भी ड्रीम है कि गोल्ड मेडल ज़्यादा से ज़्यादा जीते जाए, द ट्राउम फॉर गोल्ड, द ड्रीम ऑफ गोल्ड है ना, गोल्ड का ड्रीम करता है ओलंपिक में जब जाता है गेम खेलने, कि उसको गोल्ड मेडल मिले, एक प्राइड, मैटर ऑफ प्राइड होता है, बहुत बिग अचीवमेंट होती है ओलंपिक मेडल जीतना, और उसमें भी गोल्ड जीतना, उससे बड़ी बात तो क्या ही हो सकती है। तो हमारी बेस्ट विशेस इंडियन टीम के साथ है, जो भी इंडियन टीम के अलग अलग गेम्स के प्लेयर्स के हैं टोटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आए इंडिया के लिए, सो जे ट्राउम फॉर गोल्ड, अपना भी ड्रीम है कि गोल्ड मेडल जीते, है ना। अब जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, तो इसके लिए भी वर्ड से देखो, वेल्ट माइस्टर, क्या बोलते हैं, वेल्ट माइस्टर, वेल्ट माइस्टर मतलब वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, तो वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा, जो भी सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतेगा। तो ओलंपिक में क्या होता है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड जीतता है तो वही, उसी से उसकी रैंक डिसाइड होती है, ब्रॉन्ज और सिल्वर से नहीं होती। सपोज किसी टीम, किसी कंट्री ने 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, बट उसने ब्रॉन्ज 5 जीते, सिल्वर 3 जीते, और दूसरी कंट्री जिसने ब्रॉन्ज 10 जीते हैं लेकिन गोल्ड 2 जीते, तो जो गोल्ड 10 जीते हैं जिसने, उसकी रैंक उससे डिसाइड होगी, गोल्ड मेडल से रैंक डिसाइड होती है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है, ब्रॉन्ज और सिल्वर से डिसाइड नहीं होती, वो टोटल टैली में आता है, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, बट जो रैंक होगी, अगर कि सपोज इंडिया अगर 10 गोल्ड मेडल जीतती है, तो इंडिया की रैंक जो 10 गोल्ड मेडल से डिसाइड होगी, ब्रॉन्ज और सिल्वर से नहीं होगी, है ना,
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको पता होगा। वेल्टमाइस्टर मतलब वर्ल्ड चैंपियन। तो जैसे कोई 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो ड्राई फाक वेल्टमाइस्टर, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो स्वाई फाक, मतलब 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, तो ऐसे बोलते हैं स्वाई फाक वेल्टमाइस्टर, ड्राई फाक वेल्टमाइस्टर, है ना, मतलब डबल वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं या 2 बार ओलंपिक चैंपियन बने हैं, तो इस तरह से। तो वेल्टमाइस्टर तो वर्ल्ड चैंपियन के लिए है ना, ये वर्ल्ड चैंपियन के लिए वर्ड है, ये ओलंपिक से रिलेटेड यहाँ पे इसको हम नहीं लिख सकते, बट ठीक है ये याद रखना सही है, वेल्टमाइस्टर भी एक वर्ड होता है। तो ड्राइफाक मतलब 2 टाइम, ड्राइफाक 3 टाइम, स्वाइफाक 2 टाइम चैंपियन, ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी होते हैं, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत से जो प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जैसे 100 मीटर होती है स्प्रिंट, 200 मीटर होती है, रिले रेस होती है ना, और भी दूसरी गेम्स में अपना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करते हैं, तो क्या बोलेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका तो वर्ब है ऑफस्टेलन, हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफस्टेलन, मतलब किसी प्लेयर ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफस्टेलन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफस्टेलन, है ना। जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फेवरेट होते हैं, है ना, भले ही वो किसी भी कंट्री को, लेकिन वो फेवरेट होते हैं, यहाँ पे वर्ड है देयर फेवरेट, देयर फेवरेटेस्ट। और जैसे हम बोल सकते हैं कोई भी प्लेयर एक्स वाई जेड इस्ट माइन फेवरेट, तो फेवरेट वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, फेवरेट ये स्पेलिंग। वैसे तो हम बोलते हैं लीवलिंग, लीवलिंग जैसे लीवलिंग्स मानशाफ्ट फेवरेट टीम, बट फेवरेट वर्ड इंग्लिश वर्ड है, बट इसको भी यूज़ करते हैं, फेवरेट डेयर फेवरेट, ओके एयर इस्ट माइन फेवरेट स्पीलर बाय ओलंपिश, तो ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर, तो फेवरेट प्लेयर को भी हम याद रखेंगे, ठीक है। और हमने देखा कॉन्कुरेंट्स मतलब कॉम्पिटिशन के लिए हम कॉन्कुरेंट्स वर्ड यूज़ करते हैं। अब जैसे जो सबसे ज़्यादा मेडल जीतेगा तो विनर होगा, ओलंपिक में टॉप पे आएगा, मतलब उसकी रैंक एकदम टॉप पे होगी, है ना। और वैसे भी हर एक प्लेयर का, हर एक कंट्री का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते, तो क्या बोलेंगे हम, ओलंपिया सीख, ये वर्ड ओलंपिया सीख, सीख क्या होता है, विन, सीख विन, है ना, ओलंपिया सीख मतलब ओलंपिक विन, ओलंपिक विन, चाहे भले ही इसमें गोल्ड आए, है ना, चाहे सिल्वर आए, बट मेडल तो मेडल है, ब्रॉन्ज आए, इंपॉर्टेंट सबकी होती है, ओलंपिक में मेडल जीतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना, मेडल जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है, गोल्ड और सिल्वर का आर्टिकल दास होता है ना, और ब्रॉन्ज का डी होता है, तो ओलंपिक, ओलंपिया जीक, ओलंपिक विन। ये जीक जो वर्ड है ये गेविनन से बना है, गेविनन, गेविनन से बना है ना वर्ड, और जो विनर होता है उसको बोलते हैं जीगर, जीगर, जीगर मतलब विनर, विनर के लिए हम बोलते हैं जीगर, और गेविनन मतलब विन, ये वर्ब है, ओलंपिया जीक, डेयर जीक, हाँ ये भी ओलंपिक विन, तो ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे ओलंपिक विन, ओलंपिया जीक। तो ये सारे वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सब, आप हम लोग ओलंपिक मैच देख रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें भी पता होना चाहिए, है ना। और हम किस तरह से वर्ड देख सकते हैं, मैंने कुछ नोट किए हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी, है ना। चलिए, और जैसे हाँ तो मैंने बता दिया रिकॉर्ड बनाने के लिए कहते हैं, है ना, रिकॉर्ड ऑफस्टेलन। अगर किसी ने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया, ओलंपिक में अगर कोई रिकॉर्ड बनाता तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ओलंपिशन रिकॉर्ड ऑफस्टेलन, है ना। या समबडी हैज एयर हार्ट और जी हार्ट, एयर हार्ट आइनन ओलंपिशन रिकॉर्ड ऑफगेस्टेल्ट, ऑफगेस्टेल्ट मतलब उसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, उसने नया रिकॉर्ड बना लिया है ना, ओलंपिशन रिकॉर्ड, तो डेयर रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसका जो आर्टिकल है एंडिंग है देख लो ईएन, एयर हार्ट एंड ओलंपिशन रिकॉर्ड ऑफ गेस्टेल्ट, ही हैज क्रिएटेड, ही हैज एस्टैब्लिश्ड एन ओलंपिक रिकॉर्ड। तो ये सारे वर्ड्स हमने देखे, अलग अलग तरह के वर्ड्स हमने देखे, किस तरह से वर्ड्स हम ओलंपिक गेम्स हम देख रहे हैं और उससे रिलेटेड वो क्या, थोड़ी बहुत वर्ड्स हमें पता होने चाहिए ना, तो इससे थोड़ा लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है इंटरेस्टिंग बनता है। तो उसी सीरीज में मैंने सोचा कि कुछ वो कैप, कुछ वर्ड्स जो मैंने पढ़े हैं अब तक वो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स आप भी नोट करना, और आई होप आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, आउट विटर सिंह डिस्पाल्ट।